गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल लेके ब्लॉगर्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? भाई साहब आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का अपडेट होने वाला है इको पार्क का, जो इको पार्क में घूमने आई हूँ। आप लोग को सोचा दिखा दूँ, मैं भी घूम लूँ और आप लोग को भी दिखा दूँ। चलिए देखते हैं इको पार्क में। जब मैं आपसे मिलता हूँ अब इको पार्क में डायरेक्ट। आप सीन देख सकते हैं, यही सीन है इको पार्क का मेन गेट का। और देखते हैं, टिकट लेते हैं फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं कितने का टिकट पड़ता है, फिर उसके बाद आपको देखते हैं। पहुंच चुके हैं इको पार्क के अंदर। अब यहाँ जो ग्रीन एरिया देख के जो मज़ा आ रहा है वो तो बताने लायक है। आप लोग पहले शॉर्ट देखिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग को इस इको पार्क का बहुत सारा अपडेट देता हूँ, क्या क्या है इको पार्क में, क्या चीज़ है घूमने लायक, लॉकडाउन के बाद क्या चेंजेस आई है, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोग को। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, मास्क में खोल के बात कर सकता हूँ आप लोग से। देखिए आप लोग पहले इसकी शॉट लिया हूँ, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपसे दिखाता हूँ। आ चुके हैं बच्चों के झूले के मैदान में, जहाँ पे बच्चों के अनेक सारे झूले लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ आकर आनंद लेते हैं। देखते हैं इस बच्चे पर बहुत सारे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और फिलहाल हर बच्चे यहाँ पर हर तरह के झूले लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ आकर बहुत आनंद लेते हैं, उठाते हैं। आप देखते हैं इस जगह पर, देखिए अभी और अभी फ़िलहाल बच्चे सब हैं झूल रहे हैं। और ऐसे तो आने का परमिशन नहीं है, मैं लिया और आप लोग को दिखाने की वजह से मैं लिया परमिशन और मैं दिखा सकूं आप लोग को, शानदार वीडियो बना सकूं, इसी कारण से मैं लिया और दिखा रहा हूं। और यहां पर बहुत सारे आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बहुत एकदम झूले तो शानदार लगा हुआ है और बच्चे सब भी झूलते हैं, इंजॉय लेते हैं। इंजॉयमेंट में तो बहुत खुशी है। अब देखते हैं इसका शॉट, देखते हैं आपको इसका शॉट भी दे दूंगा ऊपर से, देखिए फिर उसके बाद बात करते। झूले का जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत मतलब हर तरह का झूला यहाँ पर लगाया गया है और बच्चे छोटे से बड़े लेगा, यानी 12 वर्ष तक, आपको मैं बाहर में बोर्ड पे दिखाया, 12 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर आकर झूल सकते हैं और देख सकते हैं, झूल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आइए फैमिली के साथ, फुल इंजॉय कीजिए और फिर घर जाइए, टेंशन मुक्त होकर यहाँ पर आइए और माइंड फ्रेश करके यहाँ से जाइए। देखिए इसका इंसर्ट दे दूंगा, आप लोग देखिए। कि मतलब इको पार्क का जो गेट नंबर 1 है उसी से एंट्री अभी फ़िलहाल हो रही है, 2-3 बंद है। मैं 2 पर आया था, वहाँ से फिर मैं घूर कर 1 के पास गया। और आपको मैं यहाँ बता दूँ, सुधा मिल्क पार्लर है फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। अब आइएगा यहाँ तो अगर अंदर बाहर से कुछ लेके आना हो तो ला सकते हैं और खा सकते हैं यहाँ पर। ऐसे तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना खुला एरिया है, खुला मैदान है, लग रहा है कि यार कर एक साथ बता दूं कि यहाँ पर जो इको पार्क में लेक है, यानी डैम जो लेक है, 2 लेक है। आप लोग पहला लेक तो मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे बगल में ही है, गार्डन हो, नर्सरी सबका है, प्लांट लगाया जाता है, फिर इसी से बड़ा करके आप फिर उसको प्लांट सब इतना, मतलब यहाँ पर पूरा ग्रीनिंग एरिया है या भाई साहब, पूरा पार्क एकदम मस्त मस्त है, मस्त है। पहले यानी लॉकडाउन के पहले इस जगह पर एक्चुअली ये फुहारा मारा जाता था, इलेक्ट्रिक से लाइन
कभी तो लगभग 7 बजे तक पार्क खुला रहता था, अभी फिलहाल 12 बजे तक खुला रहता है। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या लुक है यार, मस्त लुक आ रहा है इसका। देखिए, ओ भाई साहब क्या है ये, आए नए शहर। जानकारी, छोटी सी बात मैं आप लोग को बताना, मतलब बता रहा हूँ। और इको पार्क को कब ओपन किया गया था? इको पार्क यार क्या भोग दिए हो यार, तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या, वीडियो खराब कर दिए। चलते चलते थक गया था थोड़ा, इसीलिए मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँ इको पार्क कब ओपन किया गया था। इको पार्क को ओपन किया गया था इन ईस्वी अक्टूबर 2011 ईस्वी में। इसे ओपन करने वाले हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ओपन किए थे। और ये फिलहाल बहुत अच्छा पार्क है, मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई साहब आप लोग आके यहाँ पर बहुत मज़े से घूमिए और बहुत इंजॉय कीजिए। बहुत फैमिली के साथ आने में बहुत मज़ा है ये पार्क में। आप लोग आइए और इंजॉय लीजिए और कुछ नहीं, बस मैं भी इंजॉय ले रहा हूँ, फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। देखते हैं आप लोग, माइकिंग सुन रहे हैं ना, सुनिए, हमेशा माइकिंग होती रहता है। साथ ही जो दर्शक अपने साथ कैमरा लेकर आते हैं, कृपया उसका टिकट अवश्य लें। टिकट न होने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। आप लोग माइकिंग सुने ना दोस्तों, यहाँ पर आप अगर कैमरा लेके आते हैं तो कैमरा का आप टिकट बाहर से लीजिए, फिर कैमरा लेके अंदर आके अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं। ये अभी देखिए स्टार्ट हो गया, क्या व्यू आ रहा है। यो पार्क में बम्बू का भी पेड़ देख सकते हैं, यानी बम्बू मतलब बांस का भी पेड़ देख सकते हैं। और हाल ही फिलहाल में मतलब मैं बात करूं कि इको पार्क कब से कब खुलता है, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलता है, और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आप मॉर्निंग वॉक के लिए खुलता है, और उस समय का टिकट चार्ज होता है ओनली 5 रुपया। और 9 बजे से 12 बजे तक आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, उस समय होता है टिकट का दाम 20 रुपया। और आप लास्ट टिकट 11:30 बजे तक काउंटर ओपन रहता है, 11:30 बजे के पहले आप टिकट कटा सकते हैं, 11:30 बजे के बाद टिकट नहीं कटता है, 12 बजे पार्क बंद हो जाता है, 12 बजे तक ऑर्डर है चाइनीज वायरस कारण के कारण। I'm coming back to life. I'm taking back my life.
शॉट ले लिया हूँ, मैं डाल दूँगा, और उधर काम चल रहा है इसीलिए मैं उधर जा नहीं सकता। शॉट तो ले लिया हूँ, दिखा दूँगा। इसमें जाना मना है दोस्तों, इसमें जाके फोटो शूट कराना मना है। भाई साहब शॉट ले लिया हूँ, मैं डाल दूंगा, और उधर काम चल रहा है इसीलिए मैं उधर जा नहीं सकता। शॉट तो ले लिया हूँ, दिखा दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अब अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नए वीडियो में एक शानदार अपडेट के साथ।